नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। रीजनल आईएएस में आपका स्वागत है। हम आज शनिवार है और इंडियन इकोनॉमी हम डिस्कस करते हैं सैटरडे के दिन। टाइम 12 बज चुके हैं, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास के साथ। आज हमारा जो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने आरबीआई और उससे पहले बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली थी, कंप्लीट हो चुका है वो हमारा सेकंड लेक्चर इंडियन इकोनॉमी का और इंडियन बैंकिंग सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम का पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मेजर फोकस रहेगा रीजनल रूरल बैंक्स पर। तो किस तरह से प्रश्न बनते हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। सारी इन्फॉर्मेशन आरआरबी से रिलेटेड यहाँ पे कवर की जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स आर बेसिकली बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर लोकल लेवल ऑपरेशंस अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया। भारत में जितने भी राज्य हैं तो उन राज्यों में जो लोकल लेवल पे जो ऑपरेशंस होते हैं, स्पेसिफिकली ग्रामीण जो इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनके लिए जो ऑपरेशंस होते हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तो ये आरआरबी जो बैंक हैं वो बेसिकली जो है लोकल लेवल ऑपरेशन के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, ठीक है। दे आर क्रिएटेड विथ अ मैंडेट टू प्रोवाइड एसेंशियल और बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द रूरल एरियाज। इनको बनाने का उद्देश्य, इनको बनाया इसलिए गया था कि ये जो है बेसिक सर्विसेज, आधारभूत सेवाएं, जो बैंकिंग सेवाएं हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज वित्तीय सेवाएं हैं, उनको रूरल इलाके तक पहुंचा सकें, ठीक है। वाइल रीजनल रूरल बैंक्स आर मीन्ट फॉर रूरल एरियाज, दे कैन ऑपरेट इन अर्बन एरियाज ऑल्सो। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, वो ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये शहरी इलाकों में भी ऑपरेट होती हैं, शहरी इलाकों में भी ब्रांचेज हैं इनकी और वहाँ पर भी काम करती हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है, द मेन पर्पस बिहाइंड सेटिंग अप द आरआरबी इज़ टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द रूरल एरियाज एंड ग्रांट लोन्स टू नीडी एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड आर्टिशंस। तो जो आरआरबी को सेटअप करने का जो मेन पर्पस ये था कि ग्रामीण इलाकों से जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जाए और ग्रामीण इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, जिनको ज़रूरत है पैसे की, उनको पैसा दिया जाए लोन के थ्रू, किसानों को पैसा दिया जाए, ठीक है, और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको पैसा दिया जाए जिससे वो अपना काम कर सकें। दे ऑल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स टू मनरेगा वर्कर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन। और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा के थ्रू जो लोग काम करते हैं उनको पैसा देने का काम भी, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी यहाँ से किया जाता है, और जो पेंशन बांटी जाती है वो भी आरआरबी के थ्रू बांटी जाती है रूरल इलाके में। आरआरबी का इतिहास अगर हम देखें अभी तक, तो रीजनल रूरल बैंक्स वर सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 1975। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है कि आरआरबी की स्थापना कौन सी समिति, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन, सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो आपको जवाब याद रखना है कि रीजनल रूरल बैंक्स जो सेटअप की गई थी वो नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 1975 की रिकमेंडेशन पर सेटअप की गई थी। सो बाई द लेजिस्लेशंस ऑफ द रीजनल रूरल बैंक एक्ट ऑफ 1976। और किस लॉ के आधार पर बनाई गई थी, किस अधिनियम के आधार पर बनाई गई थी, आरआरबी एक्ट 1976। देयर आफ्टर द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज सेटअप इन 1975। और पहली, ये भी याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है, पहली रीजनल रूरल बैंक, पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साल बनाई गई थी, या पहली रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1975 इसका सही जवाब है। सो द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज सेटअप इन 1975 इटसेल्फ बाय द नेम प्रथमा ग्रामीण बैंक। और जो पहली
RRB सेटअप की गई थी 1975 में, नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 1975 के आधार पर। उसका जो नाम था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। ऑनरशिप की बात कर लेते हैं, इसमें मालिकाना हक जो होता है, कोई भी RRB है, कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसमें मालिक कौन होता है, या एक मालिक होता है या बहुत से मालिक होते हैं, अगर बहुत से मालिक होते हैं तो कितने कितने परसेंट के मालिक होते हैं, ये शेयर पूछा जाता है आपसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें देखिए, जो RRB है, द इक्विटी ऑफ RRB इज़ हेल्ड बाई द स्टेक होल्डर्स इन फिक्स्ड प्रपोर्सन ऑफ 50-15 and 35 डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फॉलोइंग, 50-15 और 35 के अनुपात में ये ऑनरशिप मालिकाना हक बटा होता है। तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी, कोई भी अगर रीजनल रूरल बैंक है आपके आसपास भी चल रही है तो ध्यान रखिएगा, उसमें केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी होगी वो 50% होगी ओवरऑल, और 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी, और स्पॉन्सर बैंक जो उसे स्पॉन्सर कर रही है, जैसे कि ये कमर्शियल बैंक होती हैं, SBI कई ग्रामीण बैंकों को स्पॉन्सरशिप देती है, तो स्पॉन्सर जो बैंक होगी, जो उस जो इस ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर कर रही होगी, उसकी हिस्सेदारी 35% होगी। तो टोटल RRB का जो मालिकाना हक है वो 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट है, 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, और 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है, और 35% हिस्सेदारी स्पॉन्सर बैंक की होती है। तो दीज रेशियोज़ आर इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर टू बी एबल टू फेस द क्वेश्चन रिलेटेड टू रीजनल रूरल बैंक रिक्रूटमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक, उद्देश्य क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के, तो उद्देश्य इसका यह है, पहला, टू ब्रिज द क्रेडिट गैप इन रूरल रीजन्स इन इंडिया। जो क्रेडिट गैप उभर कर आता है कि शहर में लोगों को लोन मिल जाता है, गांव के लोगों को लोन नहीं मिलता है, तो उस गैप को ये भरना चाहती है, ये चाहती है कि रीजनल रूरल बैंक के आने से गांव के लोगों को भी लोन मिले, क्रेडिट मिले, उधारी मिले। दूसरा है टू चेक रूरल क्रेडिट आउटफ्लो टू अर्बन एरियाज, और ये भी चेक करती है कि रूरल क्रेडिट आउटफ्लो, गांव से बाहर पैसा कितना जा रहा है अर्बन एरिया में। टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। RRB जो है रीजनल इम्बैलेंसेस, मतलब क्षेत्र बाई क्षेत्र जो डिफरेंस निकल के आता है कि मान लो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको ज़्यादा लोन दिया जा रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो वंचित रह गया है इन चीज़ों से और इन्हें लोन नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो इम्बैलेंसेस आ रहा है क्षेत्र के हिसाब से कि इस क्षेत्र में लोन मिल रहा है लोगों को, उस क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, तो ये जो इम्बैलेंसेस है इसको भी ख़त्म करती है ये। मतलब ये चाहती है कि ग्रामीण इलाका, कोई भी ग्रामीण इलाका हो, वो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, वहाँ के रहने वाले सभी ग्रामीण भाई बंधुओं को जो है लोन मिलना चाहिए, RRB का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है टू इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, विशेषताएं क्या हैं RRB की, RRBs हैव नॉलेज ऑफ रूरल कॉन्स्टेंट्स एंड प्रॉब्लम्स लाइक अ कोऑपरेटिव बिकॉज इट ऑपरेट्स इन फैमिलियर रूरल एनवायरनमेंट। RRB के पास पूरी कंप्लीट नॉलेज होती है ग्रामीण इलाकों की, क्यों, क्योंकि वो ग्रामीण माहौल में काम कर रही है और वहाँ की ज़मीनी हकीकत को RRB समझती है। ये नेशनलाइज्ड बैंक नहीं समझेंगे ये SBI और पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन जो ग्रामीण बैंक हैं वो वहाँ के लोगों के बिहेवियर को समझती है, वहाँ किस क्षेत्र में क्या समस्या ज़्यादा चल रही है और किसके लिए पैसा देना चाहिए, वो सारी चीज़ें ज़मीनी हकीकत को समझती है RRB। RRB shows professionalism in mobilizing financial resources like a commercial bank. और RRB जो है, जो financial resources हैं उनको mobilizing करने में भी काम करती है और ये professionalism की तरह काम करती है। RRBs are supposed to work in its prescribed local limits. और हर RRB अपनी limited area में ही अच्छे से काम करती है। It provides banking facilities as well as credit to small and marginal farmers, small entrepreneurs, laborers, artisans and in rural areas. और ये जो है उधार पैसा देती है, कर्ज देती है, लोन बांटती है, किसको,
जो किसान हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, और लेबर है, और जो है आपका मजदूर वर्ग है, ये सबको ग्रामीण इलाकों में आरआरबी लोन बांटती है। आरआरबीज हैव टू फुलफिल द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स एज एप्लीकेबल ऑन अदर कमर्शियल बैंक। हम जानते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, कि आरबीआई फिक्स कर देती है कि आपको जो आप जितना लोन एक साल में बांटते हो लोगों को, उसमें से 50% आपको इन सेक्टर के लिए ही बांटना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल है। तो जिस तरह से कमर्शियल बैंक जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जो नॉर्म्स हैं, रूल्स और रेगुलेशन हैं जो आरबीआई के द्वारा बनाए गए हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसी तरह से आरआरबी भी फॉलो करती हैं इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स को, और ये भी फिक्स लोगों को फिक्स जो है कर्ज बांटती हैं, जैसा कि आरबीआई चाहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कमर्शियल बैंक से और आरआरबी से। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आरबीआई मैंडेट्स दैट ऑल डोमेस्टिक बैंक मस्ट एंश्योर दैट 40% ऑफ देयर लोन्स एंड एडवांसेस आर गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर। आरबीआई ने ये कंपलसरी कर रखा है कि 40% लोन, जितना आप लोन बांटते हैं पूरे साल में, उसमें से 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ही देना पड़ेगा, जो ज़रूरत के सेक्टर हैं। प्रायोरिटी सेक्टर कंप्राइजेस, प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे एक भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से एरिया प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होते हैं, तो ये आपके जो है दैट रिक्वायर बैंकिंग असिस्टेंट बट गेट्स नेगलेक्टेड बाई बैंक्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसमें देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैटेगराइजेस एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेड, एजुकेशन, हाउसिंग एंड स्मॉल बिजनेस एज प्रायोरिटी सेक्टर। आरबीआई ने एग्रीकल्चर को, रिटेल ट्रेड को, एजुकेशन को, हाउसिंग को और स्मॉल बिजनेस को प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट कर रखा है। तो आरबीआई अगर कहती है कि प्रायोरिटी सेक्टर को आप 40% लोन दो, तो मतलब पूरे लोन का 40% इन सब लोगों को मिलके ही बांटना पड़ेगा, इन सब लोगों को दिया जाएगा जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, रिटेल ट्रेड से हो, एजुकेशन लोन हो, हाउसिंग लोन हो, स्मॉल बिजनेस के लिए लोन हो। उस 40% के अंदर भी इन सब का अपना अपना रेशियो बटा हुआ है कि किसको कितना मिलेगा उस 40% के अंदर भी। ये हमने ओवरऑल बात की है कि 40% इन सब के लिए। प्रेजेंटली द टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज इन इंडिया इज 57। करेंट में भारत में जो आरआरबी हैं वो 57 आरआरबी काम कर रही हैं। आरआरबीज एज अ होल आर अ टूल्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज। जो आरआरबी हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, वो ग्रामीण इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करती हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि बैंक की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हर एक लोग तक पहुंच सके, वही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे जनधन अकाउंट खोले गए थे, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक अच्छा उदाहरण है। दे एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज न्यूमरस बेनिफिशरीज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। और इसका फ़ायदा जो है रूरल और अर्बन दोनों लोगों को मिलता है। एरिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक, कौन कौन से एरिया में आरआरबी काम करते हैं। द रीजनल रूरल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन विद इन अ लिमिटेड एरिया फॉर विच दे आर एस्टेब्लिश्ड। जिस क्षेत्र के लिए उनकी स्थापना की गई है, उसी क्षेत्र, उसी लिमिटेड क्षेत्र में वो आरआरबी काम करते हैं। यूजली द फंक्शनल एरिया ऑफ ईच आरआरबी इज कन्फाइंड टू अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट इन विच दे आर सेटअप। नॉर्मली देखा गया है कि आरआरबी का जो काम करने का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो क्या है, उस राज्य के कुछ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक आरआरबी होती है, तो वो आरआरबी उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर ही काम करती है। आरआरबी इज़ डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ नाबार्ड एंड द स्पॉन्सर बैंक बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन इशूड इन दिस रिगार्ड। आरआरबी कब, आरआरबी कहाँ पर बनानी है, कहाँ पर इस्टेब्लिश करनी है, ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी नाबार्ड से सलाह मशवरा करने के बाद। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो ग्रामीण बैंक हैं उनको उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम नाबार्ड करती है, ध्यान रखिएगा, और स्पॉन्सर बैंक के साथ कंसल्टेशन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरआरबी जब इस्टेब्लिश की जाती है, आरआरबी की जब स्थापना की जाती है किसी एरिया में, तो केंद्र सरकार जो है नाबार्ड से और जो स्पॉन्सर बैंक है, जैसे कोई भी हो सकती है स्पॉन्सर बैंक, SBI, PNB, कोई भी, उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही
और उनको नोटिफिकेशन इशू करने के बाद ही ये इसकी स्थापना की जाती है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी फॉर RRBs टू एस्टेब्लिश देयर हेड ऑफिस इन सेंट्रल प्लेस ऑफ देयर नोटिफाइड एरिया ऑफ फंक्शनिंग। और इसके लिए RRB को ये कंपलसरी हो जाता है कि वो अपना हेड ऑफिस उसी एरिया में बनाए जिस एरिया के लिए उसको काम करने के लिए दिया गया है। जो एरिया उसको काम करने के लिए दिया गया है उसका जो सेंट्रल प्लेस है, जो केंद्र बिंदु है उस एरिया का, जहाँ पर सब लोग आ जा सकते हैं, वहीं पे हेड ऑफिस बनाए। बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑथराइज टू ओपन देयर ब्रांचेस और अपॉइंट एजेंसी विद इन देयर स्पेसिफाइड एयर। और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो भी होती हैं अलग अलग जगह, और एक होता है हेड ऑफिस। रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंकिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास में RRB का क्या योगदान है? तो रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड विद द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन माइंड। RRB की स्थापना निम्नलिखित जिम्मेदारियों को निभाने के लिए की गई है। पहला है टेकिंग द बैंकिंग सर्विसेज टू द डोर स्टेप ऑफ रूरल मासेस, पर्टिकुलरली इन द हिट हेयरटो अनबैंक्ड रूरल एरियाज। सबसे पहला काम RRB का ये है कि जो गांव में रहने वाली बहुत से भीड़ जो लोग हैं, और जो ऐसे ग्रामीण इलाके जो बैंक से बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानते नहीं और बैंकिंग सिस्टम से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है, वो अपना काम अलग करते हैं, तो इन सब एरियाओं को बैंक के साथ जोड़ने का काम भी RRB का है। सेकंड है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल नीड स्पेशली इन रूरल एरियाज। और RRB को जो है जो पैसे की ज़रूरत किस एरिया में है वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जिससे वो उनको लोन दे पाएँ। रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक, मतलब थर्ड नंबर है मेकिंग अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु हैड बाई फार लिटिल और नो एक्सेस टू चीपर लोन्स एंड हैड परफोर्स बीन डिपेंडिंग ऑन द प्राइवेट मनी लेंडर्स। अब देखिए, ऐसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ऐसा कर्ज देते हैं, बांटते हैं वीकर सेक्शन को, जो कमज़ोर वर्ग है समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, जो मोस्टली प्राइवेट जो मनी लेंडर होते हैं, जो ज़्यादा ब्याज लेते हैं और पैसा कर्ज बांटते हैं, उन पर डिपेंड होता है समाज का जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग है, तो उनको कर्ज मुहैया कराना RRB करती है, इससे ग्रामीण विकास होता है। चौथा है टू इन्हेंस बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ इन बैकवर्ड और अनबैक्ड एरियाज। और चौथा ये है कि ऐसे एरिया जो बैकवर्ड एरिया हैं और कुछ ऐसे एरिया जो बैंक से बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं है, जिनसे बैंक का कोई लेना देना ही नहीं है, जुड़े ही नहीं है वो बैंकिंग सर्विसेज से, अपना मैनुअली काम करते हैं सब कुछ, तो इन एरिया को जो है, इन एरिया में बैंकिंग और फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ को इन्हेंस करना और उनका योगदान बढ़ाना, उनका इस्तेमाल बढ़ाना और उनको अवेयर करना, जिससे वो लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें। पांचवा है मोबिलाइज रूरल सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो गांव के इलाकों में जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, जिनसे उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो है रूरल सेविंग को मोबालाइज करना और चैनलाइज करना, चैनलाइज मतलब एक ऐसे चैनल के सेटअप करना जिससे लोग आसानी से RRB से लोन ले सकें और वो अपना प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि फसल उगाना, मछली पालन करना, ये सारी चीज़ें कर सकें, ऐसी एक्टिविटी जो प्रोडक्टिव हो, जिससे फ़ायदा हो। छठवा है टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक स्मॉल फार्मर्स, रूरल आर्टिसंस एंड स्मॉल प्रोड्यूसर, रूरल लेबरर्स। और ये लोन प्रोवाइड करते हैं किसको? छोटे छोटे जो किसान हैं और छोटे छोटे उत्पादक करता हैं और जो गांव की लेबर है, इसको ये लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इससे भी गांव का विकास होता है भाई। इनके जेब में ये इनको लोन मिलेगा, इन लोगों को लोन मिलेगा, तो ये उस लोन के पैसे का इस्तेमाल किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए करेंगे, और प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा तो इनको भविष्य में फ़ायदा होगा, भविष्य में फ़ायदा होगा तो इनकी जेब में पैसा आएगा, जेब में पैसा आएगा तो इनकी खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगी, तो ये अलग अलग सामान खरीदेंगे और सामान खरीदेंगे तो इकोनॉमी अच्छे से चलेगी। सातवां है टू क्रिएट अ सप्लीमेंट्री चैनल फॉर द फ्लो द सेंट्रल मनी मार्केट टू द रूरल एरियाज थ्रू रीफाइनेंसिंग।
आठवां है टू प्रोवाइड फाइनेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। और ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ को और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ को, अलग अलग जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं उनको भी फाइनेंस करते हैं, पैसा देते हैं जिससे वो अपना काम कर पाएँ। नवा है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज एंड ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू रूरल एरियाज। नवा है कि ये गांव के जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें जो है रोजगार के अवसर पैदा करती हैं ये, और जो लोगबाग गांव में रहते थे वो प्राइवेट लेंडर पर डिपेंड थे कर्ज मांगने के लिए, उनको ये कर्ज देना शुरू कर देती हैं, जिससे क्या होता है कर्ज लेना महंगा नहीं सस्ता हो जाता है उन लोगों के लिए, तो कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है। दसवां है इन्हेंस एंड इम्प्रूव बैंकिंग फैसिलिटी टू सेमी अर्बन रूरल एंड अदर अनटैप्ड मार्केट। और जो बैंकिंग फैसिलिटी है सेमी अर्बन और रूरल इलाकों में उसको इन्हेंस करती है, उसको बढ़ावा देती है। विद दीज ऑब्जेक्टिव इन माइंड नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज बाई द स्टाफ इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन। और ये काम करने के लिए जो RRB में स्टाफ काम करता है उसको उस एरिया की लोकल लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, जिससे वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पर्सन हैं उनसे। प्रॉब्लम और चैलेंजेस ऑफ RRB के में क्या प्रॉब्लम्स है इस समय और क्या क्या चैलेंजेस उसके द्वारा फेस किए जा रहे हैं। तो पहला है RRBs आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट फाइनेंसेस। RRB के पास फाइनेंस बहुत कम है, मतलब पैसा बहुत कम आ पाता है RRB के लिए। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन NABARD टू कलेक्ट फाइनेंस फॉर देयर फर्दर ऑपरेशन। पुअर रूरल पीपल आर अनेबल टू सेव एनीथिंग ड्यू टू पॉवर्टी एंड लो पर कैपिटा इनकम। द लो लेवल ऑफ सेविंग ऑफ दिस कस्टमर क्रिएट ऑब्स्टेकल्स फॉर RRBs टू कलेक्ट सफिशियंट डिपॉजिट्स। देखिए ग्रामीण बैंक जो हैं ग्रामीण इलाकों के लिए हैं, और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो इतने गरीब होते हैं कि वो अपना खाना पीना ही अच्छे से चला पाते हैं, इसके अलावा वो सेविंग नहीं कर पाते हैं, बचा नहीं पाते हैं पैसा, क्योंकि अगर पैसा बचाएंगे तो वो RRB की ब्रांच में जमा करा पाएंगे ना अपने खाते में, और RRB की खाते में जमा करा पाएंगे जिससे इससे क्या होगा RRB के पास पैसा आएगा, RRB के पास पैसा आएगा तो उस पैसे को वो फिर से लोन में बांटेगी, तो ऐसा सेविंग नहीं बढ़ पा रहे हैं RRB के पास, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के लोगों के पास सेविंग ज़्यादा नहीं है, बचत ज़्यादा नहीं है जिससे वो अपने पैसे को RRB के बैंक खाते में जमा कर सकें और RRB उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे लोगों को लोन देने में कर सके। तो लोन बांटने के लिए जो पैसा चाहिए होता है RRB वो पैसा कहाँ से लेती है, NABARD से लेती है, उसी पर निर्भर रहती है कि आप हमें पैसा दो फिर हम गाँव के लोगों को लोन बांटेंगे, ठीक है। दूसरा है हाई ओवरड्यूज एंड पुअर रिकवरी ऑफ लोन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ RRBs। दूसरा ये है अब RRB के पास पहले से ही पैसा नहीं आ रहा है, डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं कस्टमर के, गांव में रहने वाले लोगों के डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, तो RRB क्या कर रहा है फिर भी NABARD से कर्ज लेके लोगों को लोन बांट रहा है, लेकिन लोगों को लोन बांटता जा रहा है लेकिन लोग उस लोन को ही वापस नहीं कर रहे हैं, तो रिकवरी रेट बहुत कम है, इससे क्या है ओवरड्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है RRB के लिए। Reasons being poor access of granting loans, insufficient and untrained staff, unproductive or less productive use of credit, inadequate production, poor marketing facilities and improper channel of recovery system। इसके पीछे कि recovery नहीं हो पा रही है पैसे की RRB की, RRB जो loan के माध्यम से पैसा बांट रहा है वो पैसा RRB के पास वापस नहीं आ रहा है, इसके पीछे भी कई कारण है कि स्टाफ मेंबर जो RRB में काम करने वाले लोग हैं वो टैलेंटेड ना होना, और जो है मार्केटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी ना होना, और रिकवरी का माध्यम रिकवरी करने का तरीका सही नहीं होना, ये कई कारण है। तीसरा है देर इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इम्बेलेंसेज इन बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाई द RRBs। दे आर क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम बाई कंसनट्रेटिंग देयर ब्रांचेस इन सम स्पेसिफिक स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्स एंड लूज अदर परस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ कस्टमर। रीजनल इम्बेलेंसेज की प्रॉब्लम ज़्यादा है। RRB क्या करती हैं बहुत सारी कि कोई अच्छा ज़िला है वहाँ पे तो ब्रांच दो दो डाल देंगी, तीन तीन डाल देंगी, लेकिन वहीं बाजू वाला ज़िला है उसमें एक भी ब्रांच नहीं है, तो ये क्षेत्र के आधार पर भेदभाव क्यों? हर जगह ब्रांचेस होनी चाहिए और हर कस्टमर को इक्वल ट्रीट करना चाहिए आपको, क्योंकि एक ज़िला में तीन ब्रांच हैं आपकी, वहाँ के कस्टमरों को लोन मिलता जा रहा है, दूसरे ज़िला में ब्रांच ही नहीं है, वहाँ के कस्टमर इन सुविधाओं से बेखबर हैं बिल्कुल, तो ये रीजनल इम्बेलेंसेस की प्रॉब्लम ज़्यादा है।
चौथा है मैनी RRVs आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हैवी लोन्स बिकॉज ऑफ लो रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ देयर कस्टमर। चौथा ये है कि RRV के पास समस्या कितनी बड़ी आ रही है। समस्या क्या है कि वो जो है इतने हैवी लोन से ग्रसित हो चुके हैं, इतने हैवी लोन से परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर उनसे लोन ले जाता है वो वापस ही नहीं कर पा रहा है। मान लो फसल के लिए लोन ले गया, ओलावृष्टि हो गई, ओले पड़ गए, बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया, फसल बर्बाद हो गई, अब बेचारा कहाँ से दे वो पैसा। तो रीपेइंग कैपेसिटी कस्टमर की जो है कम हो गई है, जिससे RRV के ऊपर जो है हैवी लोन्स का प्रेशर बढ़ गया है। और जो है लो लेवल ऑफ डिपॉजिट्स भी कम आते हैं कस्टमर से, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम है RRV के साथ। पांचवी है दीज बैंक्स हैव स्टिल नॉट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन ऑफ द कंट्री। पांचवी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बैंक हैं वो गरीबी दूर करने में देश की मदद नहीं कर रहे हैं। गांव के इलाकों के जो लोग हैं उनकी गरीबी दूर करने में मदद नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप ग्रामीण लोगों को लोन दे रहे हो, जिस मकसद से ग्रामीण व्यक्ति लोन ले जा रहा है वो काम वो करता है, फिर उसको प्रॉफिट होता है तब वो लोन वापस कर पाता है। अगर लॉस हो जाता है तो वो बेचारा वैसे ही मारा जाता है। तो लोन वापस नहीं करेगा तो आपका लॉस है। इसलिए आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक प्रॉपर वे में आप लोन बांटिए, और लोन देने से पहले रीजन का पता कीजिए, कारण का पता कीजिए कि किस लिए वो व्यक्ति लोन ले जा रहा है। और अगर फसल उगाने के लिए लोन ले जा रहा है तो फसल उगाने की टेक्निक्स भी उसे अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा तभी तो आपकी लोन वापस कर पाएगा वो, ठीक है। तो ये जो है पॉवर्टी एलिवेशन, तभी उसकी गरीबी दूर होगी अगर वो अच्छे से काम कर पाएगा और कमा पाएगा पैसा। तो ऑल दो वेरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन दिस रिगार्ड बट लेक ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, पुअर नॉलेज ऑफ कस्टमर, लो प्रोडक्शन, लो अवेयरनेस अबाउट सेविंग हैव क्रिएटेड मैनी हर्डल्स फॉर RRV। पुअर इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कमज़ोर होने की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो RRV के लिए बहुत सी हर्डल क्रिएट कर रही हैं, परेशानी पैदा कर रही हैं। छठवा है लेक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन RRVs एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कमर्शियल बैंक्स, नाबार्ड एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स हैज बैडली अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज बैंक्स। छठवा है RRV देखिए सबसे सलाह मशवरा करके काम करती है, तो RRV का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर वार्तालाप नहीं हो पा रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक, मान लो कमर्शियल बैंक है SBI, PNB जो इन स्पॉन्सर बैंक होते हैं RRV के, और नाबार्ड से जो इनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तो उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर सलाह मशवरा न होने के कारण इसमें जो है इनकी जो RRV की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो रही है। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है RRV के अंदर, ठीक है। तो गाइस हमने डिस्कस किया RRV के बारे में, आपको सारे प्रश्न याद रखने हैं, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी याद रखने हैं, और जो जितनी भी नॉलेज, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है आपके साथ वो आपको याद रखनी है। इस लेक्चर का ये जो PDF आप देख पा रहे हैं, जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर के तुरंत बाद वो PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाती है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा आपको, और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे और लोग भी इसको देख पाएँ। और जो है अगर कोई डाउट है आपका किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल में भी बता सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए यूज़र हैं आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही या वीडियो लाइव होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप क्लास के साथ तुरंत कनेक्ट हो पाएँ। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए आप
रीजनल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो जो यूट्यूब चैनल में अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिंक दी हुई हैं, उन पर क्लिक करके आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हर जगह हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हर जगह आपको स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़े रहने के लिए।